पापा। हाँ हाँ निश्चय। यस बेटा। पापा आपको आज मेरे स्कूल जाना था, मैडम ने बुलाया है। ओ, अच्छा? ओ, फोन लगता है आप फिर भूल गए। बेटा ऐसा क्या है जो मैं फिर भूल गया? आज मेरे स्कूल में पीटीएम है। नहीं नहीं बेटा, मैं भूला नहीं हूँ। अच्छा एक काम करो, आप जाकर मम्मी से बोलो फटाफट तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है। गो, 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 गो। यार बॉस को फोन कर दो। हेलो बॉस, बॉस आज मेरे बच्चे के स्कूल में पीटीएम है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है रविशंकर, तुम अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो। कोई बात नहीं, तुम आराम से आ जाना, मैं तुम्हें 12 बजे वाले कंसाइनमेंट में असाइन कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच बॉस, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारा हरिशंकर ड्राइवर? अच्छा लगा ना? लेकिन आप शायद सोच रहे होंगे कि क्या भारत में भी ऐसे स्मार्ट ट्रक ड्राइवर होते हैं? जी हाँ होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में अभी ट्रक ड्राइवरी के काम को उतनी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है जितना दुनिया के अन्य देशों में देखा जाता है। अमेरिका में तो इस पेशे की इतनी शान है कि कुछ लोग अगर आईटी के करियर में हैं और उस काम से बोर हो गए हैं तो आईटी के करियर को छोड़कर ट्रक ड्राइवरी का काम शुरू कर देते हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रीशियन का काम भी वो अपना लेते हैं, प्लम्बिंग का काम भी। कहने का आशय ये है कि इसी को कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। आप जो कुछ भी काम करें इस तरह से करें कि वो पेशेवर हो और प्रोफेशनल लगे। खैर हम बात कर रहे थे हरिशंकर ड्राइवर की। हरिशंकर एक समझदार ड्राइवर है जो सालाना अपने स्वास्थ्य की जांच कराता है, अपनी आईज को टेस्ट कराता है, और यही नहीं उसको कोई दिमागी टेंशन भी नहीं है। राम राम भाइयों। अरे छोटू बेटा फटाफट लस्सी लेके आ जा। अरे भाई अभी गाड़ी का हवा पानी भी चेक करना है। अरे क्या हरी भाई, किस चक्कर में पड़े रहते हैं आप? हवा चेक कर, पानी चेक कर, फलाना कर, ढिमका कर, ऐसा करने से क्या तुम्हें मालिक ज्यादा पैसे देते हैं क्या? अरे भाई सोमपाल, ये ट्रक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। देखो दोस्तों, जिस गाड़ी को चलाकर हम कमाई करते हैं, अपने बीवी बच्चे अपने परिवार को पालते हैं, भाई उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है कि नहीं? हमारा दीन हमारा धर्म ये ट्रक ही तो है, उसके प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेवर होना चाहिए। भाई अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तभी तो ये हमारा ख्याल रखेगा। सोचो दोस्तों, अगर चलते चलते ट्रक कहीं रुक जाए तो फिर ऐसा सिलसिला शुरू होगा जिसे ना तो आप लोग रोक पाओगे और ना ही मैं। जानते हैं क्या होगा? हमारी तनख्वाह नहीं बंद हो जाएगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, और खाने पीने का संकट पैदा होगा। सो अलग, क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? तो फिर यारों, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। देखो दोस्तों, अगर हमारा वाहन सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारी यात्रा सुरक्षित है, और अगर हमारी यात्रा सुरक्षित है तो हमारा सामान सुरक्षित है, और अगर हमारा सामान सुरक्षित है तो हमारी कंपनी और हमारे मालिक हमसे खुश होंगे। ये सब चीजें आपस में ऐसी जुड़ी होंगी, अगर एक कड़ी टूटी तो समझ लो दोस्तों जीवन की यात्रा बिखर जाती है। बिल्कुल जैसी ड्राइवर हरिशंकर की सोच है, अगर आप भी अपनी ऐसी ही सोच बना लें तो बहुत जल्दी आप भी स्मार्ट सुरक्षित और पेशेवर ड्राइवर कहलाने लगेंगे। लेकिन अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका ट्रक भी सुरक्षित हो और आप भी हिफाजत के साथ हो। गेट खोलकर ट्रक में मौजूद चेकलिस्ट से मिलान करके ही अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। आपके वाहन की ब्रेक हमेशा चालू हालत में होनी चाहिए। आपके हेल्पर की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, यानी वो नाबालिग बिल्कुल ना हो। वाहन पंजीकृत है कि नहीं, वाहन का इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, साइड वाला शीशा सही कंडीशन में होना चाहिए, टायरों में हवा कितनी है, टायरों की घिसावट कितनी हुई है, इंजन से कोई गैर जरूरी आवाज तो नहीं आ रही है,
स्टेपनी ठीक कंडीशन में है या नहीं। गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर होना चाहिए, ना जाने इसकी जरूरत कब पड़ जाए। सीट बेल्ट बांधना किसी भी सूरत में ना भूलें। फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा गाड़ी में रखें। उचित जगह पर गाड़ी लगाकर ही मोबाइल पर बात करनी चाहिए। गाड़ी का कैबिन हमेशा साफ होना चाहिए। सभी लाइट जलने की हालत में होनी चाहिए। हेडलाइट, पार्किंग लाइट, रिजर्व लाइट, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स हमेशा चालू हालत में होने चाहिए। गाड़ी का रिवर्स अलार्म काम कर रहा हो इस बात को भी सुनिश्चित कर लें। सभी वाहनों में सर्विस रिकॉर्ड होने चाहिए। और सबसे आखिरी, आपका ट्रक ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। हाँ तो भाइयों कुछ समझे। दोस्तों एक बात और, मुझे तो सपने में भी अपने दोस्तों की कमी नजर आती है। यात्रा के दौरान हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पीछे कितने जिम्मेदारियां हैं। हमारे लिए हाईवे हो या शहर हो, हर जगह रफ्तार तय की गई है और हमें उसका पालन करना चाहिए। बरसात हो या फिर कोहरा गिर रहा हो, तो हमें खुद ब खुद अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर देना चाहिए। याद रखिए, गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल का प्रयोग ना करें। ऐसा करने से आप तो मुसीबत में पड़ते हैं, साथ ही दूसरे को भी मुसीबत में डाल देते हैं। और हाँ, जरूरत के हिसाब से लो बीम और हाई बीम का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सबको सड़क पर एक पेशेवर ड्राइवर की तरह पेश आना चाहिए। शंकर भाई, एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ भाई सोमपाल पूछ। कभी कभी ना हमें दो दो दिन हो जाते हैं ट्रक चलाते चलाते, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देख भाई सोमपाल, ये शरीर है तो सब कुछ है। हमें 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। इससे हम खुद को तो खतरे में डालते हैं, साथ ही जो सड़क पे चल रहा हो उसे भी खतरे में डाल देते हैं। अब मुझे देख, अगर मुझे थकावट महसूस होती है तो मैं गाड़ी रोक कर थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद ही यात्रा शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, जब हम अपना सामान लेकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप अपनी मंजिल पर पहुंचें, तो कुछ खास बातों का हमेशा ध्यान रखें। यह आपको भीड़ से हटकर बनाएंगी और यही आपको एक पेशेवर ड्राइवर कहलाने में मदद करेगी। जैसे जब भी गाड़ी खड़ी करें तो उसमें चाबी लगी नहीं रहने दें। पहियों को हमेशा व्हील चोक से जकड़ें या मजबूत पत्थर भी लगा सकते हैं। हमेशा सही जगह अपने वाहन को खड़ा करें। अगर सड़क पर वाहन खड़ा करना पड़ता है तो सुरक्षा का ध्यान रखें, रिफ्लेक्टर जरूर लगाएं। गाड़ी चलाने के दौरान हमेशा ख्याल रखें कि हर 4 घंटे बाद गाड़ी को सुरक्षित स्थान पर खड़ा करके 15 मिनट का विश्राम अवश्य करें। और हाँ, 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें हर रोज। किसी भी सूरत में हेल्पर को गाड़ी न दें। दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने काम से बेईमानी ना करें। आखिरकार हमारा पेशा हमारी जिंदगी से जुड़ा है। हमें अपने मालिक और अपनी कंपनी के लिए वफादार होना चाहिए। कभी धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हमारी छवि सुधरेगी? क्या आने वाली पीढ़ी कभी ड्राइवर बनना चाहेगी? हर आदमी अपने काम का ब्रांड एम्बेसडर होता है। उसकी हरकत ही उसके काम की पहचान होती है। दोस्तों जैसा सामान हमें डिलीवर करने के लिए दिया जाता है, हमें वैसा ही सामान उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से हमारी कंपनी और मालिक के लिए हमारी जिम्मेदारी है, ठीक उसी तरह हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भी जिम्मेदार होना चाहिए। हमेशा हमें तय वक्त के अनुसार ही अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट लेना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम इससे चालान से बच जाएंगे, बल्कि ये हमारे पर्यावरण के लिए जिम्मेदारी बनती है। शंकर भाई, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। पीने पिलाने वाली? अरे हम तो अक्सर ही पीते रहते हैं। क्यों भाइयों? हम सब नहीं भाई, देखो मुझे तो इस गिनती से बाहर रखो भाई। देखो हालांकि शराब तो मैं भी पीता हूँ, लेकिन भाई अपनी रोजी रोटी पे जाते वक्त या सफर के दौरान मैं शराब को मुंह तक नहीं लगाता। ये अपने पेशे से गद्दारी है, और ऐसी गद्दारी बिल्कुल नहीं मेरे भाई। दोस्तों ऐसा करना मेरे और मेरे परिवार के भी खिलाफ है। सबसे पहले मैं अपनी और दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करना जानता हूँ। और हाँ दोस्तों, सफर के दौरान नींद लाने वाली खांसी की दवा भी नहीं पीता। अगर मेरी तबीयत मेरे काबू में नहीं है तो सबसे पहले मैं अपनी कंपनी फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मेरे लिए सबसे पहले एक ड्राइवर का इंतजाम करो, और उसके बाद मैं उनसे कह देता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर
इससे आगे मुझे यात्रा करने की इजाजत नहीं देता, समझे? काम करते समय इंसानियत का तकाजा कभी नहीं भूले। खास तौर पर अगर हाईवे पर चलते समय कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले कंपनी को सूचित करें। ये भी प्रयास करें कि आप पुलिस को भी इस बात की सूचना दें। इस सब माहौल में बिना हड़बड़ाए अपनी सुरक्षा करनी है, ट्रक की सुरक्षा करनी है, और जो सामान आप ट्रक में ले जा रहे हैं उसको भी कोई खतरा ना हो, ये भी आपको देखना है। दोस्तों, इन बातों के अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, अपने गांठ बांध लेना है। सबसे पहली बात यह है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ रखें। यही नहीं, प्रदूषण का प्रमाण पत्र यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी गाड़ी में मौजूद होना चाहिए। और हाँ, बिल्टी की कॉपी साथ रखना बिल्कुल ना भूलें। और गाड़ी पर इमरजेंसी नंबर जरूर लिखें ताकि किसी मुसीबत के वक्त कोई भी आपकी सूचना को सही जगह पर पहुंचा सके। और जैसे जैसे आप इन सब बातों का ध्यान रखने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके काम की और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाएगी, और इस पेशे से जुड़े लोगों की जो धारणा है वो भी बदलने लगेगी, और ये भी एक अच्छे पेशे की तरह सम्मानित पेशा बनने लगेगा। क्या हाल है शंकर जी? ये आशीर्वाद है सर आपका। और गाड़ी ठीक चल रही है? हाँ सर, एकदम बढ़िया है सर। सेफ्टी के बारे में जो बताया गया, आपको उसका पूरा ध्यान रखना है और उसमें कोई समझौता नहीं करना उसके अंदर। हाँ सर, बिल्कुल समझ गया, और मैं उसे पूरी अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ, खुद भी करता हूँ और दूसरों से भी करवाता हूँ। ऐसा कोई गलती नहीं होना चाहिए जिसमें आपका घर परिवार, आपका माल सब सेफ होना चाहिए हर तरह से। आप अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। ठीक है सर, जैसे ही आप आएंगे चलता हूँ सर। देश में ट्रक ड्राइवरी के पेशे को सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए एबीजी लॉजिस्टिक्स पिछले 25 वर्षों से लगातार काम कर रहा है। एबीजी लॉजिस्टिक्स ने देश के 7 रणनीतिक केंद्रों पर अपने नेटवर्क को मजबूत किया है। एबीजी लॉजिस्टिक्स किफायती दामों पर इन केंद्रों के द्वारा कार्गो की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस तरह के नेटवर्क को हमेशा मजबूत बनाए रखने के लिए एबीजी लॉजिस्टिक्स को जरूरत होती है आप जैसे ट्रेंड पेशेवर ड्राइवरों की, और इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, अपने सोचने के तरीके को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। एबीजी लॉजिस्टिक्स प्रतिबद्ध है इस पेशे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। हमारे देश में लॉजिस्टिक्स का काम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, हम भी उसी के साथ अपना काम बढ़ा रहे हैं। काम बढ़ाने के साथ साथ हम लोग सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं। सेफ्टी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके अंदर हमारे ड्राइवर का परिवार, गाड़ी और कस्टमर का माल, तीनों का ध्यान रखा जाता है। हमें अपने कस्टमर नेस्ले इंडिया से काफ़ी सपोर्ट मिला, समय समय पर ट्रेनिंग मिली, ड्राइवर्स को समय समय पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और हम उसमें विश्वास रखते हैं कि सेफ्टी के साथ हमारी कंपनी ग्रो करेगी।